मेरा ये सवाल है आपसे कि आप अकेले पूरे देश में घूमते हो, आपको डर नहीं लगता मनुवादियों से? कल का एक्सपीरियंस बिल्कुल अमेजिंग था कि शंभू भाई जो है वो मेरे घर पर आए हुए थे और हम लोगों ने बैठ के काफ़ी कुछ बात करी और कुछ कुछ क्या क्या नया किया जा सकता है, कैसे बहुजन यूट्यूबर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी बात करी है। आने वाले टाइम पर शंभू जी जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं और बहुत से यूट्यूबर्स को उनको मिलने का मौका मिल सकता है। नेशनल स्तर को फॉलो करते रहिए और उनके सारे वीडियो देखिए, कोई ना कोई आपको एक मैसेज ज़रूर मिलेगा और जब वो मैसेज अनाउंसमेंट करेंगे तब मैं भी आपको बता दूंगा। और अभी क्या है, मैंने नया कैमरा तो मंगा लिया है लेकिन जो है इसका एक्सपेरिमेंट मैं अभी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं शंभू भाई के साथ थोड़ा सा फील्ड विजिट करने वाला हूं और उनके साथ ही रहूंगा आज दिन भर, तो मैं इस चीज़ में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं पहले भी बहुत से एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ जिसमें कई बार मुझे समस्या झेलनी पड़ी, कई बार फुटेज ही नहीं आई, कई बार आवाज़ ठीक से नहीं आई, तो इस बार मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस फुटेज के बाद, मतलब इस वीडियो के बाद जब आप दूसरी वीडियो देखोगे तो वो इसी कैमरे से होगी। तो चलकर देखते हैं कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, अभी तक इतना इंटरेस्टिंग था उससे डबल होने वाला है, तो चलते हैं। पहले 10 बजे पहुंचना था लेकिन अब 11 बजे की बोल रहे थे तो मैं 11 बजे के लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और सन्नी का इंतजार कर रहा हूँ। भाई सन्नी कहाँ रह गए, दिख नहीं रहे हो। और हम लोग जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ BSP का प्रचार चल रहा है और कई लोगों ने कमेंट किया था कि भैया BSP अकेला बहुजन समाज नहीं है, तो आप लोग मेरी सारी वीडियोस जाके देखिए। मैं सिर्फ BSP के बारे में बात नहीं करता, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता हूँ और हर किसी के बारे में बात करता हूँ जो भी व्यक्ति बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता है या जो भी टॉपिक बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता है उन सब से बात करता हूँ, उन सब के बारे में बात करता हूँ। तो सन्नी आ जाए उसके बाद हम शंभू भाई के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनका इंटरव्यू लेने का क्या स्टाइल है और उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो चल के देखते हैं। दादा यहाँ एक चार्जर था। चार्जर कहाँ गया भाई? दो यार, वो मेरा वाला केबल तो दो, डेटा केबल। तो शंभू भाई, अच्छा मेरा लगा होगा, आपका भी ऐसे ही। शंभू भाई यहाँ रुके थे वहाँ आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं वो बुद्धा बाजार। 18 तारीख को ओपनिंग थी, मैंने अपने वीडियोस में डाला था, तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं और देखते हैं कि बहुजनों ने किस तरह का स्टोर खोला हुआ है। और हम लोग सब लोग साथ में ही हैं, सन्नी भी है, लाइफ ऑफ सन्नी, शंभू भाई यहीं, चल के देखते हैं। नमो बुद्धाय फाउंडेशन का एक प्रोग्राम हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया था। और समाज के सारे लोग आपको इस वक्त यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जो है वो नमो बुद्धाय बाजार एक फाउंडेशन, एक संस्था है, उसके अंडर ये एक सुपर बाजार खोला गया है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। और ये बहुत अनूठी पहल है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा। और एक तो बहुत सारे बहुजनों को जो है यहाँ रोज़गार मिलेगा और आप आराम से आके यहाँ सारा सामान खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो है एक फ्रेंचाइजी चेन की तरह भी काम करेगा कि अगर किसी और को भी इसकी फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो ले सकता है, मतलब ये सिर्फ अकेला एक स्टोर तक सीमित नहीं है, आगे भी और शहरों में ऐसे स्टोर्स खोलेंगे। तो अभी देखते हैं, उसके बाद हमको एक जगह और जाना है। मैं सोच रहा था एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बनाता लेकिन आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास और मैं कोशिश करूँगा फिर से लौट कर आऊँगा और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि कौन इसका संस्थापक है, किसकी ये सोच है और क्या क्या इसके
बेनिफिट मिलेंगे बहुजन समाज को। ये कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप अगर आना चाहें तो यहाँ इस एड्रेस को देखकर आप आ सकते हो। हमको जो है बीएसपी का एक प्रचार चल रहा है वहाँ जाना है, लेकिन अब यहाँ लेट होते जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम लोग फिर आगे आपको दिखाना चाह रहे थे कि वहाँ बीएसपी किस तरह से प्रचार कर रही है, और देखते हैं यहाँ कितना टाइम और लगता है। इस तरह की जो शुरुआत होती है कितनी ज्यादा बहुजनों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक असगर वजाहत बीबीसी के बड़े पत्रकार हैं, वो पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने एक चावल व्यापारी से पूछा कि भाई भारत पाकिस्तान बनने से तुम क्यों खुश हो। तो उसने कहा कि भारत पाकिस्तान बट गया तो कम से कम मैं व्यापारी तो बन गया, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मुसलमान कहीं से पंचर बनाने का काम था। आप सोचिए वही हालत भारत में थी कि इस देश में एक ही जाति के लोग व्यापार कर सकते थे, और आज भी ये हालत है। आप किसी व्यापारी वर्ग का जो मोहल्ला है या जहाँ दुकानें हैं, दुकान कहाँ चलती है, जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ आप लेने जाइएगा, आपकी जाति पता चल जाएगी तो आपको दुकान नहीं लेने देगा, 10 लाख का दुकान 20 लाख में कर देगा। तो एक ब्रेकर पैदा किया जाता है, बैंक से लोन नहीं मिलता है। बहुजन समाज के लोगों ने खुद से पैसा जमा करके एक स्टोर खोल दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। ऐसे समय में जब आप राजनीतिक रूप से तब तक आज के दौर में सफल नहीं हो सकते जब तक आपके पास पैसा नहीं है। आप सोचिए बहुजन समाज अगर एकजुट होने लगे, ज्वाइंट वेंचर जिसको कहते हैं, वो राजनीति में होने लगे, सामाजिक आंदोलन में होने लगे, व्यापार में होने लगे, तो उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इस तरह की कोशिश आपको, मैं तो इसको बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। और ये इसलिए मैंने रिपोर्ट लगाया कि देश भर के लोग देखें और वो भी इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें करें। अब मेरा इनसे राय लेने की ये कारण था कि अगर मैं बोलता तो आपको शायद इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन शंभू भैया जो हैं पूरे दुनिया मतलब पूरी इंडिया में घूमते रहते हैं, तो उनको पता है कि इस तरह की चीज़ें कितनी कमी हैं हमारे समाज में और ये कितनी बड़ी चीज़ है। और मेरा घर यहाँ पास में ही है, तो मैं जो जितना भी सामान है वो यहीं आकर लूँगा। देखिए बीएसपी की जो है यहाँ पर बीएसपी की प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूरा गांव जो है जाम हो गया है। और देख लीजिए आपकी इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ है। साहब सिंह गुर्जर जी जो यहाँ से खड़े हुए हैं, और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वो वीडियो मैंने डाला था उनका, और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कितना ज़्यादा उनका प्रभाव है। आपको मैं भरोसा दिला दूं इस बात के लिए कि हाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, मगर बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बन भी नहीं सकती। ये कर देंगे आप लोग? यस बिल्कुल होगा, पक्का होगा, भरोसे के साथ कह रहा हूँ मैं। आराम से। एक मिनट बस। परसों मैं आपसे मिला था, तब आपसे मैंने पूछा था कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है, आज मुझे दिख रही है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे कि आप कितने वोट से जीतेंगे? रिकॉर्ड मतों से, उसकी गिनती करना मुश्किल हो जाएगी। इन जी का आशीर्वाद है, वो 12 साल की मेरी मेहनत का सिला है जी। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देखा था, मैंने इस तरह से उनसे पूछा था, तो यहाँ पर कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो आप लोग बताएंगे क्या हालचाल है यहाँ के? इस बार मध्य प्रदेश में ग्रामीण विधानसभा का रोल रिकॉर्ड जो सबसे बेहतरीन रहेगा और सबसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हवा चली है बीजेपी और कांग्रेस की, वो लोग एक दूसरे को 5 साल तक स्थापित करते हैं, फिर दूसरी बार उनको स्थापित कर लेते हैं, लेकिन इस बार तीसरा विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी उभरेगी और वो सरकार बनाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी की ग्रामीण विधानसभा से रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत हर्ज होगी। हमारे साहब सिंह गुर्जर का पूरा रुख है, पूरे बहुजन समाज के लोगों का उनको वोट देगा और सर्व समाज का भी वोट उनके पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको भीड़ दिखा चुका हूँ, और यहाँ तक गारंटी है कि ये सीट जरूर निकल जाएगी बीएसपी की। आपसे ज़्यादा मैं क्या पूछ सकता हूँ। लेकिन एक सवाल जो सच में मुझे काम का लगा, वो अभी बैठे बैठे जब बात कर रहे थे, मेरा ये सवाल है आपसे कि आप अकेले पूरे देश में घूमते हो,
आपको डर नहीं लगता मनुवादियों से? नहीं, मैं सोचिए ज्योतिबा फूले भी अकेले थे, बुद्ध भी अकेले थे, रविदास भी अकेले थे, कबीर भी अकेले थे। अब तो बहुत अवेयरनेस है, जहाँ जिस शहर अब ग्वालियर में आप मेरे साथ हैं तो अब मैं अकेले कहाँ होता हूँ, हर शहर में अपने लोग हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिस समय सचमुच समाज की क्या स्थिति, डॉक्टर अम्बेडकर अकेले लड़ रहे थे, मान्यवर साहब अकेले थे, अब तो समाज बहुत जग चुका है। डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, और ये सिर्फ मानसिक लड़ाई है। आपको जानबूझकर आप भी हार मांस के बने हैं, वो भी हार मांस का बना है। ये पूरा जो ये पूरी जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ आप कितने मानसिक रूप से दृढ़ हैं। तो मैंने एक दो रैली आपकी देखी है जहाँ मुझे लगा था कि व्यक्ति लोग जो है ना आपको घेर लिया था उन लोगों ने, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, हैंडल नहीं करना है, वो बहुत कमज़ोर लोग हैं, लॉजिकली वो आपसे नहीं लड़ेंगे। तो जो शरीर मतलब बल का प्रयोग वही करते हैं जो कमज़ोर लोग होते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि आप मानसिक रूप से मजबूत रहिए, और आपके पास सवाल करने की ताकत हो, और आप सही के लिए अगर बोल रहे हैं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। और हमला कब होता है, जब अकेले जा रहे हैं और दो तीन लोग हमला करते हैं, जब 5,000, 10,000, 20,000 लोग हैं तो वहाँ कौन हमला करेगा? वहाँ तो ये सब चीज़ें आपको टैक्टिकली देखना पड़ेगा। आप मैं और आप लड़ाई कर रहे हैं तो आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन 5,000 लोग रहेगा वहाँ थोड़ी ना आदमी आपको मारने देगा। तो है जिसको आप डर कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक ये फोबिया फैलाया गया हमारे लोगों में कि आपको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब ये फोबिया की वजह से ही वो जीतते हैं, हम हारते हैं। जैसे कि वो गौरी लंकेश की हत्या करी थी घर में घुस के उनके, तो ये एक तरीके से डर फैलाने का तरीका ही था। हाँ, तो वो रैली के दौरान नहीं मारा ना, उन्होंने उनके घर में जाके मार दिया, तो वैसा वो कर सकते। तो ये सब तो सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक ठाक जगह पर मेरा घर है। मेरे घर में वो नहीं कर पाएगा कोई हमला, बहुत हाईली सिक्योरिटेड जोन में मेरा घर है। अच्छा, चलिए ठीक है। और आगे जहाँ भी जाते हैं वहाँ आने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी उनको एक्सचेंज करनी पड़ेगी मेरे घर पर। अच्छा। उस अपार्टमेंट में नहीं घुस सकते आप ऐसे। चलिए बढ़िया, अच्छा रहे। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है बहुजन समाज को। यहाँ किले घूमने आए थे हम लोग, और हमने पैलेस भी घूमा, और शंभू जी से पूछते जरा कैसा लगा उन्हें ग्वालियर। और अंदर एक सब्सक्राइबर भी मिल गए थे जिन्होंने अंदर जाने दिया, और महल के बारे में भी थोड़ा बताया हमको, किले के बारे में सॉरी। और काफ़ी अच्छा लगा कि लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोस देखते हैं, और शंभू भाई की वीडियोस तो देखते ही खैर सभी लोग। मेरी भी जो एक भीम आर्मी वाला वीडियो था काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है। शंभू भाई कैसा लगा आपको, क्या आपकी प्रतिक्रिया है राजाओं की अय्याशी देखते हुए? अब पता चल रहा है कि ये इनको मुग़ल क्यों गुलाम बना लेते थे, अंग्रेज़ों ने क्यों गुलाम बनाया। दरअसल ये लोग घोर जातिवादी, कास्टिस्ट और किस्मत को मानने वाले थे, जो गाइड ने बताया। ये पूजा पाठ क्रम देखिए, जब भारत सोने की चिड़िया थी, जब बुद्ध काल का दौर है, जब सम्राट अशोक के वंशज राज कर रहे थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, घनानंद हो, समझिए कि पटना में जो जिसको लंका कहा जाता था, सोने की लंका, वहाँ सोने की परतें लगी थी। और उस समय जो राज करने की प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली, जहाँ से डेमोक्रेसी की नींव पड़ी, तो आप समझिए इनके और उनके में कितना फ़र्क है कि ये सिर्फ अय्याशी करते थे, दद्दस शादी करते थे। बुद्ध ने यही तो एथिक्स बनाया था, पंचशील एथिक्स था, मोरल की बात की थी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। और इसलिए भारत का जो पहले का जो इतिहास है, ईसा पूर्व का जो इतिहास है, चाहे वो सम्राट अशोक का हो या घनानंद का हो, और उसके बाद जो लास्ट मौर्य राजा है बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग, और वहीं से ये जो ब्राह्मण और हिंदू राजा का कंसेप्ट आता है। ये लोग जो बाहरी हैं, ये बाहर से आए आ रहे लोग हैं, ईरान से आए हैं, और उसी के बाद प्राकृत और पाली भाषा का खात्मा होता है, उसी के बाद ये बुद्धिस्टों को ख़त्म करते हैं, और उसी से ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद सब वहीं से शुरू होता है। बुद्ध देखिए, बुद्ध किसके लिए बात कर रहे थे? बुद्ध बात ये जो कहानी दिखाते हैं कि बुद्ध जाति को लेकर बहस कर रहे थे, नहीं, बुद्ध सिर्फ शाकाहार और मांसाहार को लेकर बात कर रहे थे, और एथिक्स को लेकर बात कर रहे थे।
वो पढ़ाई लिखाई का केंद्र था, अब तकशिला नालंदा इन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली। आप सोचिए ताशकंद, हड़प्पा, मोहनजोदारो, तकशिला, ये सब देखिए। तो वो प्रतिक्रिया, तो ये खैर चलिए वो पीछे छोड़ दीजिए, वो सोने की चिड़िया थी कभी भारत जब मौर्य वंश था, ये लोग आए, इन लोगों को मुग़लों ने ग़ुलाम बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया। अच्छा हुआ अंग्रेज आए कम से कम। मुग़ल ने कास्ट फैक्टर में कुछ भी नहीं किया, कास्टिज़म को लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कम से कम भारत में महलें खड़ा किए, आर्किटेक्ट बनवाए, सड़कें बनवाई, जलाशय बनवाए। अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अगर बहुजन के लिहाज से बात करें तो अंग्रेज़ों ने। लेकिन ईवीएम का बड़ा लफड़ा ये, क्या सच्ची बात है कि ईवीएम वाली मशीन तो टेक्निकल है, मशीन पूरी दुनिया में देखिए सिर्फ 3 देश है जहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, ब्राज़ील, भारत, भूटान और एक और वेनेजुएला, एकदम लिद्धर देशों में। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड करता है क्या चुनाव? देखिए कितना बड़ा बेईमान है चुनाव आयोग, एक महीने तक चुनाव होता है और कहता है कि ईवीएम से जल्दी काउंटिंग होती है। तो ये तो रेड लाइट, ईवीएम मीन्स रेड लाइट है। आप रेड लाइट को फिक्स कर दीजिए कि 60 मिनट बाद आपको ग्रीन दिखाना है तो ग्रीन दिखाएगा, 70 मिनट बाद ग्रीन दिखाना है तो 70 मिनट बाद दिखाएगा, 10 सेकंड बाद ग्रीन दिखाना है तो 10 सेकंड बाद। तो ईवीएम भी कोई प्रोग्राम कर सकता है कि भाई 100 वोट तक ठीक रहेगा, 100 वोट के बाद बीजेपी को जाना शुरू होगा, कांग्रेस को जाना शुरू होगा। आइए आपसे बात करते हैं। आप हमारे गाइड साहब हैं। मैं अच्छा, ये सब जो आप बता रहे थे जी, ये सब कहाँ से आपको ज्ञान मिला? एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो भी हिस्ट्री है जो कि ASI के द्वारा सारे गाइड बनाए जाते हैं, पहले ASI बनाती थी, फिर उसके बाद ASI के बाद अब टूरिज्म बनाती है गाइड, MP टूरिज्म के थ्रू गाइड बनते हैं, जो कि IITM इंस्टीट्यूट है हमारे ग्वालियर में है, जो कि कोर्स कराती है गाइड। वहाँ से सारे कोर्सेज होते हैं गाइड के, सारे गाइड वहाँ से निकलते हैं कोर्स करने। पवन नाम है मेरा, पवन कुमार। पवन कुमार जी, तो क्या है, काफ़ी समय हो गए मुझे काम करते हुए, क्योंकि मैं स्पेनिश भी काम करता हूँ, जो भी बाहर लैंग्वेज, हाँ स्पेनिश है, इटालियन है, क्योंकि बाहर के जो भी पर्यटक आते हैं उसको सारे लैंग्वेज की गाइड अवेलेबल है, जो फ्रेंच भी। राजा मान सिंह, जो एक ही राजा मान सिंह नहीं, मान सिंह अपने दो हुए हैं। अच्छा, एक राजा मान सिंह जो जयपुर वाले थे, वो सवाई मान सिंह थे जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी थी। ये ग्वालियर वाले मान सिंह थे जिनको मृग नैनी के नाम से जाना करते थे, क्योंकि राजा की जो नौवीं रानी थी वो मृग नैनी थी, उसका महल हमारे किले के नीचे बना है जिसको गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। आप बना रहे हैं? जो कि ओल्ड टाउन में है उसका। तो ये हमारे भाई थे जो जिनकी मैं बात कर रहा था, सब्सक्राइबर थे और हमारी वीडियोस देखते थे। शंभू जी वीडियोस बना रहे हैं इनकी, तो थोड़ा डिस्कशन सुन लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं वो। तो आज सारा दिन जो है मैंने शंभू भाई के साथ बिताया, और मेरा ओपिनियन जो शंभू भाई के लिए ये है कि वो थोड़ा कड़वा बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, और लोगों से थोड़ा सा एंग्री में रहते हैं। लेकिन उसका एक कारण जो मुझे समझ आया वो यही था कि अगर इतना ज़्यादा वो नहीं रहेंगे तो 20 लाख सब्सक्राइबर को हैंडल करना कितना कठिन होगा। मैं जानता हूँ कि जब 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने फ़ोन अटेंड करने पड़ते हैं, तो इंसान का थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हो जाता है। मेरा तो बहुत होता है, पता नहीं शंभू भाई कैसे हैंडल करते हैं 20 लाख सब्सक्राइबर्स को और एक नंबर जो सार्वजनिक रूप से उन्हें दे रखा है। ओके सर, हमारी चाय पिलाने के लिए। अरे कोई बात, और मैं आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा, और कोई समस्या हो तो कॉल कर लीजिएगा। नंबर आया। चलिए, धन्यवाद।